नीचे कैसे जलाए भगवान जी अपना जायदाद मेरे नाम करके जा। जायदाद नहीं जाता। आरती शर्मा को कंप्लेन मत करना। Good morning, food fam, and welcome to my world of sinful eating. After a long, 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 long time, I'm trying this 5-minute easy recipes. ये मैंने पहले भी try की है. देख के बहुत easy लगती है, but बनाने वक्त होती नहीं है. But definitely it turns out to be very beautiful and delicious. बट उसको बनाने से पहले आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे करना है प्यारा सा कमेंट ड्रॉप, एंड हाँ वीडियो पे डेफिनेटली लाइक करना मत भूलिएगा और अपने क्लोज वंस के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आप मैं और हम सब एंटरटेन हो. तो चलिए बनाते हैं हमारी फर्स्ट रेसिपी. फॉर माई फर्स्ट रेसिपी मेरे पास आई है हमारी हिंदी टीचर हु इज गोइंग टू गाइड मी मेकिंग दिस इजी 5 मिनट. सुन मेरे वीडियो में हंसना नहीं. तो फिर चलिए बनाते हैं 5 मिनट हैक इजी रेसिपी. तो सबसे फर्स्ट रेसिपी इज दिस, जहाँ पर ब्रेड है, सलामी और चीज, फिर दूसरा ब्रेड लगाया है. वो ब्रेड को गोल काटना पड़ेगा. हाँ, वो काटना पड़ेगा. और वो पोच डालना है. पोच और फिर उसके ऊपर मक्खन डाला है. हाँ वो मक्खन तुम्हारा लगा, बट वो उसको गोल काटना भी पड़ेगा ना. देखो जैसा कच्चा होगा इसमें सलामी. हाँ, इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे है. हम बनाएंगे ये रेसिपी व्हिच लुक्स इजी एंड हाँ, हम बना सकते हैं. चलिए हम ले रहे 3 slices ऑफ ब्रेड. अब ब्रेड में एक ब्रेड में तुमको वो करना है, एक ब्रेड में गोल वो शेप काटना है और ये दो में मक्खन लगा देती हूँ. तभी तो पता चलेगा ना अच्छा है कि नहीं है. अच्छा, तो पहले वो होल्ड कर इसमें ऐसा करके ब्रेड लेकर हम लोग होल्ड करेंगे. मतलब ब्रेड को सर्कल देख के टूट नहीं जाए, ये ब्लास्ट नहीं हो जाएगा ना. यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है. हुआ तो मिलेंगे ऊपर सब. Oh my God, ठीक है. तो सबसे पहले वो एक ब्रेड लगाया है, लो प्लेस करें यहाँ पर सलामी के. आई थिंक दिस नीड्स टू बी कुक्ड यार. चीज स्लाइस, फिर दूसरा ब्रेड, फिर ये ब्रेड नहीं है, ब्रेड का साइड है. स्लाइस है. हाँ ना साइड. हम डालेंगे एक अंडा. आई डोंट नो कैसे टर्न आउट होगा यार, देख के तो इतना टेम्पटिंग लग नहीं रहा है. लेट्स सी, वो लोग ने किया है तो हम लोग. इसके बाद हमको लगाना है. अरे बाबा ये तो मेरा हिल ही गया. आउच आउच. मक्खन क्या लगाई थी, मक्खन था ये ऑयल था पता नहीं. एक तो वो लोग रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखता है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है. एक तो इंग्रेडिएंट्स लिखा है क्या वो लोग? नो नो नो. थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा पेपर ये डाल दे रहे हैं और इसको मैं ढक के स्लो कुक होने. डर लग रहा है मुझे खाना देखकर. अच्छा होगा. देखो क्या लगता है कैसा होगा. फैंटास्टिक. मेरे को लग रहा अंडा पकेगा कैसे. वही बात है, भाप में पक जाएगा. नीचे का ब्रेड तब तक जल जाएगा. गाइस ऑलमोस्ट 4 मिनट्स हो गए हैं और ये अभी तक कुक हुआ नहीं है. इनफैक्ट इसका ऊपर का अंडा ही अभी तक कुक नहीं हुआ है. एंड मेरे को लग रहा है मेरा जो नीचे का ब्रेड है ना, वो ब्रेड ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, जल भी चुका है. आप देख ही सकते हैं. हाँ चीज इज ऑलमोस्ट, चीज भी मेल्ट हो चुका है. बट ये क्यों नहीं पक रहा है, यही तो मेन है. This is something which has turned out to be. Now, उसमें हम लोग को एक confusion हो गया था. We were trying it on pan, but pan में नहीं बनेगा, ये oven में बनाना पड़ेगा आप लोगों को. So, oven में बनाया, however crisp नहीं हुआ, but this is really cooked well. और मैंने pan में इसको बहुत देर तक cook किया था, तो उसके वजह से क्या हुआ, मेरे नीचे का bread तो जल गया. We failed this bag. हम लोग fail किए बहुत गंदे तरीके से. Looks great यार. Not bad. अच्छा ही बना है. देख के तो अच्छा लग रहा है. चल खा के देखते हैं. Now let's do the taste. Wait a second. देखेगा आप नीचे कैसे जला है. ये देखो. नीचे कैसे जला है भगवान जी. हमारी गलती की वजह. Hmm. तो
राउंड वन में फेल है कि पास है ये आप लोग बताइए. हम लोग को लगता है 75% पास है, 25% फेल है. आप लोग कमेंट करके बताओ राउंड वन में पास या फेल. हम लोग चलिए चलते हैं, ट्राई करते हैं सेकंड रेसिपी. तो चलिए बनाते हैं रेसिपी टू. रेसिपी टू है मग पिज्जा. मग पिज्जा देख लो फिर मैं तुमको अच्छे से डिक्टेट करूंगी. ब्रेड को काटना है, अंडा मिलाना है, टोमेटो सॉस मिलाना है, बट तू पिज्जा सीजनिंग भी मिला देना. पार्मेसन चीज डालना है, सॉसेज डालना है, टमाटर डालना है, ओके, फिर चीज, फिर उसको माइक्रोवेव करना 2 मिनट्स. दैट्स ऑल. लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है. हम लोग करेंगे. सामग्री इंग्रेडिएंट इज रेडी. तो चलो सबसे पहले ब्रेड को चॉप करो जैसे उसने चॉप किया. क्लोज योर हैंड्स. इसमें डालना है तेरे को अंडा. अब उसको मिला थोड़ा सा. अब इसमें केचप डाल. उसमें तो बहुत ज्यादा डाला था. पूरा मिला के डाल ठीक से. एक ही जगह पे फेंक रही है. हट, क्या कर रही है देख. इसमें थोड़ा पार्मेसन चीज डाल. सलामी डाल. बस चीज डाल दे. बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप है. इस लड़की को कोई खाना वाना बनाना नहीं आता. शादी करके पता नहीं क्या करेगी. पापा की पड़ी. सो ये अभी जाएगा ओवन में 2 मिनट के लिए. सो बिट्टू भैया प्लीज डू द ऑनर. अच्छे से बनेगा. सो ये कुछ ये क्या पिज्जा बना है. ये देखा प्राची को बोला. ए भगवान जी, प्राची पूरा सॉस सॉस भर दी. क्या पिज्जा है. What is this? This is not pizza. What is this? This is lasagna. Yes, lasagna. This is sausage lasagna. Lasagna, Maglesia. This is Maglesia. ये क्या है? It's a big fail because baby तुम बहुत ज़्यादा ketchup डाले. Sauce के वजह से क्या दूसरा कुछ तो बनता ना? Sauce का ही वो क्यों करेगा? क्या बन गया मेरा? कुछ तो ठीक है खाकर देखते हैं. I don't want to try it. क्या पकड़ी है दीदी. टोमेटो सॉस का टेस्ट अच्छा है. हमें तो मालूम ही नहीं था. ठीक है मैं डिक्स ले लेती हूँ और एक बार मैं खा लेती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा. बेड खाली हो तो मुझे दे. नॉट बैड. बिट्टू भैया आप थोड़े से बेटर हो चुके पहले से थोड़े से. हाउ आर यू फीलिंग बिट्टू भैया. गुड. सब लोग शक्ल. अब बिट्टू भैया इसको खाएगा. वैक्सीन लगा है इसलिए मैं चांस ले रहा हूँ. आप लोग मत लेना अगर वैक्सीन नहीं. चेहरे से बाल हटा. क्या केचप टेस्टी है. नहीं, ब्रेड को वापस से प्रीवियस उसमें लेके गया प्रोसेस में. उसको मैदा बनाया, उसमें सॉस मिलाया, मिला के बना खाओ. इधर थैंक्स टू दिस गर्ल ये जो की है. तो इन लोग से तो हो नहीं पाया कुछ भी. दोनों रेसिपी का ये लोग मतलब सत्यानाश कर दिया. तो लास्ट तक मेरे को मैदान में आना पड़ा. इसका लास्ट वाला रेसिपी मैं अच्छा बनाऊंगी देखना. देखना भी मैं जो बना रहा हूँ. एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स को तोड़ना है, उसके अंदर ये सब सब कुछ ढलना है, चीज ढलना है. दादा हमें बोलती ए तू किचु ना बोल ले भालो सब खराब कर दे. चुप. मैं बोल रही हूँ चिप्स ये सब ढलना है. सलामी ढलना है. सब ढालना है. सब अंडा ढालना है साइड में और वो बॉइलिंग वाटर में उसको 30 मिनट्स के लिए रख देना है. Okay, so let's start. वो निकलने के बाद मोटा सा अंडा निकलेगा. अंडा नहीं ऑमलेट. उसको काटना है और खा लेना है. उसको फिर स्क्वायर पीस में करना है और चीज के साथ खाना है. टेप लगाना और खा लेना. इतना सिंपल. अब हम काटेंगे इसको सीजन से एकदम बारीक से. हाँ. स्ट्रेट. अगर मेरे से स्ट्रेट लाइन ना कटे आरडी शर्मा को कंप्लेन मत करना. स्ट्रेट काटो. हाँ एकदम. हाँ एकदम बारीकी से. स्ट्रेट नहीं कटा. शर्मा को बोल दो सबको. अबे स्ट्रेट कटा पैकेज नहीं. खोल लेना. अच्छा चिप्स को भी तोड़ना है. हाँ वो टूटा कर लेना है. तोड़ चुका है. पहले अंडा डाला था शायद उसने. नहीं लास्ट में. अच्छा तू कंफ्यूज मत कर. मैं बना रहा हूँ ना शेफ मैं हूँ. ठीक है. पहले उसने ये डाला मतलब जो भी है सलामी डालो जो भी डालो. पनीर भी डाल के खा सकते हैं वेजिटेरियन. तेरा ब्रेन भी.
चॉप्ड टमाटोस। बेटा थोड़ा जल्दी करो, बहुत ज्यादा टमाटर डाल दिया, पूरा थोड़ी ना डालना था। काटी क्यों इतना? अरे काटी थी, इसका मतलब थोड़ी ना पूरा डाल देगा। ये चॉप्ड धनिया पत्ता, कोरिएंडर, सॉल्ट भी। अब मैं डाल, सॉल्ट तो लाया ही नहीं है, पैकेट ला। अरे इसमें दिखाओ चीज डाले हैं। अंडा कम हो गया ना तो क्या काम से। उसी हाथ में तेरा वैक्सीन लगा है। बिट्टू मामा रेसिपी बना रहा है, बोल के सिंजू आ गया कि मेरा मामा क्या बना रहा है, क्या बना रहा है चिंजुआ, हसी हसी देखो तो क्या है मामा के पास, खा लो खा लो, मामा से खा लो, ले लो ले लो, खा लो खा लो। थोड़ा सा जैसे फेट लेना है, अंडा दो और फिर इसमें डाल देना। अब गिरा पूरा उसमें, अब मिला उसको फॉर्क से। रेसिपी तुम बना रहा है, इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ। मैं तो बोलूँ ऊपर एक तो क्लिप लगा दे इसके बारे में। बताए एक जन बोलता है 2 मिनट में मैगी, ये लोग बोलते हैं 5 मिनट क्राफ्ट। दुनिया में चल क्या रहा है, 5 मिनट क्राफ्ट में आधा घंटा का बॉइलिंग दे के रखा है, पागल समझ के रखा है। आधा घंटा ऐसे खोलते हैं, ऐसे तो डिसअपॉइंटमेंट ही होगा भाई। नहीं मेरे को लगता है बनने में तो अच्छा ही होगा, इसे फेंकना पड़ेगा तेरे को। वो ये चिपक गए, कढ़ाई में तेल डाल के ना बना लू। नहीं बिटू भाई आई मेड गुड समथिंग यार, आई एम अ हू मास्टर शेफ, बड़े बड़े शेफ मेरे से लेते हैं। अरे क्लासेस पूरा बोल बिट्टू। अरे तू हंसा मत कर, तू उसको वियर्ड बनाती है। ची बड़े बड़े शेफ लेते हैं। तीन काटो, तीन ही पीसेस काट, तीन पीसेस काटो। क्लैप क्लैप, हैप्पी बर्थडे टू यू, हाथी पाटे पू पू। ओ दादा रूम हाडू है, अब तू ही काट। हाडू है क्या हुआ, गरम है प्राची ड्रॉपिंग सिराचे। इससे पहले का जो रेसिपी हैक था वो स्टिल 5 मिनट के अंदर था, ये 5 मिनट के अंदर नहीं है। किसी को ऐसे भी तेरा वीडियो से मतलब नहीं है, सब खाई है। बहुत टेस्टी लग रहा है, कुछ हो गया। Most important is steamed है। हाँ। तो अच्छा लग रहा है। अब जो last fourth recipe है वो बड़े मसलेदार होने वाली, वो मैं बनाने वाली हूँ। बस 5 मिनट में बना लेना। अच्छा लग। कच्चा अंडा। अंडा का छिलका। So अभी last recipe I'm gonna make। बिट्टू भैया वो successfully making the third recipe। Let's see अब ये वाला recipe मैं बना सकती हूँ कि नहीं। लुक वेरी इजी, आलू को श्रेड कर लेना है, अंडा डालना है, प्याज डालना है, मैदा डालना है, नमक, गोल मिर्च, मिक्स गुड, ठीक से मिक्स भी नहीं किया, वॉफल मशीन में ओके। सो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ हैश ब्राउन, दिस इज काइंड ऑफ हैश ब्राउन लाइक वॉफल हैश ब्राउन काइंड ऑफ स्टफ। यहाँ पे मैंने श्रेड किया वो पोटैटो डाला, अनियन डाला, एक अंडा, 1 स्पून फ्लावर, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर। ऐसे गंदा करके खाना बना रहे हम लोग, खाना तो नहीं है, वही हैक्स ट्राई कर रहे। इतना गंदा कुकिंग मैंने आज तक कभी नहीं किया। पापा अगर हम लोगों को ऐसे देख लेंगे ना करते हुए, पापा हार्ट अटैक आ जाएगा, बोले क्या बना रहे हो तुम लोग। बोलेंगे तो मेरी बेटी है ना। हमने यहाँ पर वेफर मशीन ले लिया, थोड़ा ग्रीस कर लेंगे मक्खन से।
अच्छा ये इन लोगों का मेजरमेंट सही है हाँ, एक आलू और एक अंडा और इस मेजरमेंट में चार, तो चार ही बना वॉफल मशीन कही तो वो लोग सच मतलब सही है, सही है। अब इसको हम कर देंगे बंद और इसको अब बने देंगे हम मैक्स कर दूं क्या, मैक्स में ही है ना। इंडिया और उन लोग का समझ में नहीं आता, उन लोग का नींबू बड़ा, उन लोग का आलू का कलर, उन लोग का प्याज इतना बड़ा, येलो ही आलू है, मेरा क्रिस्प हो ही नहीं रहा है। क्रिस्पी तेरा हो गया ये देख, अब ये सड़ने लगा, जलने लगा, पिया का मत कर, सड़ने लगा। I don't know, जैसा हुआ उठा लेता। I don't know, किसका क्या बना है, मेरा तो कुछ ऐसा वॉफल बन गया। इसके ऊपर ढालना चाहिए कैरेमल, देख के तो अच्छा लग रहा है, लग भी रहा कि आलू पक गया है। हाँ प्याज का खुशबू आ रहा है, प्याज और ऑमलेट का नहीं होता वैसा खुशबू आ रहा है। नमक कम है बट बहुत टेस्टी है, बट फ्लफी है, वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। दिस इज टर्न आउट टू बी रियली गुड, आलू इज वेरी क्रीमी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाउएवर उसका अलग, आई थिंक उसका वॉफल मशीन ही अलग था। कैसा अच्छा लगा, नमक हाँ सच में कम है थोड़ा सा, तेरे को तो और कम लगेगा। अच्छा ब्रेकफास्ट है ना, लेकिन हम लोग बना के खा सकते हैं, जल्दी बन जाएगा। इट्स गुड, लेकिन उसके जैसा क्रिस्प नहीं बना है, बट ब्रेड के बदले हम लोग ये लेके इसके साथ अंडा खा सकते हैं। But better, no? So this was all about today's video, which is 5-minute recipe for 24 hours. which is 5 minutes recipe hack. I hope आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं like, share, comment and subscribe to the YouTube channel. And हम मिलेंगे next time. Till then what? Till then happy eating. Happy eating. It was really good. Really good. Okay. Bye-bye.